23 गज था या 24 गज था, मुझे डेट बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ट्रैक देता है यहाँ से तकरीबन 47 किलोमीटर है मुजफ्फराबाद, और हम मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। तो आगे से हम यहाँ से हमारा प्लान है आगे बालाकोट जाने का। बालाकोट यहाँ से तकरीबन 64 किलोमीटर और डेढ़ घंटे का टाइम दे रहा है हमें। हम कोशिश करेंगे आज रात तक नेरान पहुँच जाए। अभी तो भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना चाना खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह भी कर लिया। अभी तकरीबन 1:15 हो चुका है और हम वापस अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं आगे गड़ी हबीबुल्ला बालाकोट के नरान के लिए। कोशिश करेंगे आज रात को नरान जाएं। और गर्मी यहाँ पे मुजफ्फराबाद में अंत लेवल है, पैदरों भी चल जाते। अच्छा जी, अंत लेवल की गर्मी है यहाँ पे अभी। और ये रहा वो ब्रिज, फेमस ब्रिज जो मुजफ्फराबाद। वो शवैब वगैरह वो ड्रेस पूछ रहे हैं, मतलब ड्रेस हमें मालूम है लेकिन कंफर्म कर रहे हैं कि किस तरफ जाना है। राजीव भाई देखेंगे वो आ रहे हैं, आ गए हैं। ये रहा जी वो फेमस ब्रिज ऑफ मुजफ्फराबाद। इसमें साइड वॉक भी है। ये है जनाब मुजफ्फराबाद सिटी। ये वो सीधा रास्ता नीलम वैली जाता है और ये लेफ्ट टर्न हम ले रहे हैं, ये जाता है बालाकोट। अब ये सीधा रोड इसी तरह बालाकोट जाएगा। अयो बट्टा ये भजन, ये व्यू चेक कीजिए, ये सारा मुजफ्फराबाद सिटी है। ये साथ में ये दरिया जा रहा है और ये सेंटर में सारी सिटी है मुजफ्फराबाद की। लुक एट द व्यू मैन, माशाल्लाह सुभान। बस यही दिखाने के लिए हम आपको खड़ा हुआ था। अब चलते हैं वापस रोड की तरफ। बिस्मिल्लाह, खुदा हाफिज मुजफ्फराबाद कॉर्पोरेशन। यहाँ से जनाब मुजफ्फराबाद ख़त्म हो रहा है। ये गड़ी हबीबुल्ला, ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जा रहे हैं हम। रोड बहुत ही माशाल्लाह साफ सुथरे हैं। मुजफ्फराबाद ये इसी तरह का कारपेट रोड है। If you really wanna know, full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. Believe in my inflated egg brain. Figured it out. Suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize, 'cause everything I ever thought I was made me cry. Like search for who you are, and I don't care that I sound arrogant, but knowing who you are is just for amateur. 1 hour later. तो भाई लोग अभी का सीन ये है कि अभी वे 3 बज चुके हैं और अभी हम इस वक्त हैं बालाकोट में। और सीन ये हुआ है हमारे साथ, बालाकोट से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे मेरे टायर, मेरी गाड़ी का टायर जो था वो फूल गया और बबलिंग करना शुरू कर दिया है। पहले मुझे लगा पंचर है लेकिन वो बाद में देखा टायर फूल गया। तो फिर हम धीरे धीरे से वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे थे वहाँ से आए हैं, धीरे धीरे करके बालाकोट पहुँचे हैं। और यहाँ पर सब जगह पर टायर ढूँढा है
टायर नहीं मिला, पर एक शॉप पे मिल रहा है लेकिन वो 3500 का दे रहा है, बहुत महंगा दे रहा है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर जो 4000 का आ जाता है और ये ट्यूब वाला टायर, ट्यूब के साथ टायर दे रहे हैं 3500 का। और इसलिए मैं कहूँगा यार एक सेपरेट टायर और एक ट्यूब लाजमी रख लो साथ में। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सीन है मेरे टायर का इस वक्त। ये सीन है भाईजान मेरे टायर का, ये देख सकते हैं आप, मेरा टायर सारा फूल चुका है। तो अभी बस भाईजान खाना खा रहे हैं शो वाले, जैसे ही वो खा कर फ्री होते हैं टायर डलवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे नारायण के लिए। ये है जनाब नया टायर पैंथर का, पैंथर का ट्रैकर जो पुराना मेरा लगा वही वाला, सेम कंपनी का सेम चीज़ है। 3100 का मिला है ये, कितने का मिला लाहौर से? 1800 का मिलता है बस, यहाँ से ये 3100 का मिला है मुझे, ठीक है। ये 90 और वो मेरा पुराना टायर उतार रहे हैं। तो भाई जान हमने तो फ्यूल वगैरह टायर वगैरह अपना चेंज करवा लिया है और फ्यूल भी मुकम्मल तौर पे करवा लिया है। अभी 3:30 हो गए हैं, उम्मीद है कि 7 बजे तक हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, 7 बजे तक हम इंशाल्लाह नारायण पहुंच जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर है नारायण अभी, और 3:30 हो गए और 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हम नारायण। ट्रैफिक जनाब, ट्रैफिक पॉइंट है यहाँ पे, मतलब आश्चर्य वगैरह निकल गया यहाँ से गुजर गया, इसके दरमियान कुर्सियाँ वगैरह लगा के रखी होती हैं इन्होंने, तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, चाइना तो है कवाई है ना, ये जी कवाई पॉइंट है। नहीं पिछली बार भी जिता आया था उधर से, ट्राउट फिश अवेलेबल है। लीजिए भाई जान के भाई जान, ये है दरिया, वो तो अभी घूम के वापस हो गए सा फिर। ट्राउट फिश क्विक अपडेट भैया, अभी भी हम नारायण से तकरीबन हम अभी नारायण से 45 किलोमीटर के बाद ट्रिप पे हैं और टाइम हो चुका है 5। हम नॉन स्टॉप चला रहे हैं गाड़ी, मतलब अभी तक एक भी स्टेन लिया जब से, मतलब टायर पिछला ख़राब हुआ उसके बाद बालाकोट से जब चेंज करा उसके बाद एक भी स्टेन लिया, बस चलते जा रहे हैं और 5 हो चुके हैं और 50 किलोमीटर अभी भी नारायण 50-45 के करीब बाकी है और उम्मीद है हम तकरीबन 6:30-7 बजे तक नारायण एंटर हो चुके होंगे। और वेदर कंडीशन बस नॉर्मल है, कोई ज़्यादा सर्दी नहीं है,
गर्मी भी नहीं है, कहीं पे धूप है और कहीं पे किसी जगह धूप है और कहीं पे छाँव है, बस इसी तरह चल रहा है। और ये एक और पॉइंट है, यह है जी महानी, बुलंदी 4370 के 4370 फुट। अरे इतने पिंड आते अगे आएगा रस्ता भी चढ़ो आंदा जी महानी, यहाँ से एक रास्ता आहो देखें, यहाँ से एक रास्ता जो ऊपर डेहोड़ी डेहोड़ी गांव है, डेहोड़ी से कहते हैं रास्ता किधर है। गली नहीं आओ है पीछे हो गए गली, ये गली आओ है, ये गली है जनाब जी, ये सीधा ऊपर जाती है डेहोड़ी गांव है, बहुत खूबसूरत। हम जा चुके हैं पहले भी, मैं कल 3-4 साल हो चुके हैं मुझे किसी के कहने पे गए थे। यहाँ से आप डेहोड़ी जाएंगे तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं आपको, मतलब एंड तक जाने के लिए। एंड पे जहाँ पे गांव वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे दरिया आएगा, दरिया से आपको पैदल ट्रैकिंग करके आप 500 झील जा सकते हैं। मेरा ख्याल आधा घंटा लगता है वहाँ से ट्रैकिंग करके 500 झील जाने के लिए। तो वहाँ से फिर लोग अक्सर लोग काफ़ी लोग जाते हैं, तब जब हम गए थे तब भी लोग गए थे वहाँ पे, 3-4 जीप गई थी हमारे सामने, जो कि वहाँ से ट्रैक करके 800 झील जाएंगी। आधा घंटा लगता है, मतलब लास्ट 3-4 घंटे आपको लगेंगे ये गांव एंड करने तक। और गांव में खूबसूरती भी काफ़ी आप देखने के काबिल है। तो वहाँ से आप फिर आधा घंटा 800 झील, और फिर लोग वहाँ से 800 झील से सैफल लोग ट्रैकिंग करके, वहाँ से भी ट्रैकिंग करके 800 झील से सैफल लोग, और सैफल लोग से नीचे वापस न रहा, ऐसे भी लोग काफ़ी हैं जो जाते हैं वहाँ से। और अगर आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग काफ़ी होगी। आधा घंटा 800 झील और फिर 800 झील से सैफल लोग, मेरा ख्याल 2-2.5 घंटे होंगे, मुझे पता नहीं, मैंने देखी नहीं है, 2-2.5 घंटे मेरा ख्याल है। बाकी जो जाना चाहे मेरा, मैं वैसे वैसी ज़्यादा तरह एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया, जो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके जाए किसी तरह, मेरी इंफॉर्मेशन गलत भी कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन लेके जाए जो जाना चाहे। ये सब है कवान हुआ है, ये वो उस नरान के ट्रैफिक, जो जनाब नरान के ट्रैफिक से निकल कर हमने 10 मिनट यहाँ पे बैठकर सुकून से आराम किया, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दिया। 20 किलोमीटर है नरान यहाँ से, तो अभी बस फिर से रोड पर इंजॉय करते हुए निकलेंगे। चलिए शुहैब साहब, हमने थोड़ी सी सीटें चेंज की हैं, साजिद साहब आगे चले गए हैं, उनकी बाइक चलाएँगे शुहैब साहब की, और शुहैब साहब मेरे पीछे बैठेंगे। अब चलिए शुहैब साहब बैठिए। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يخلق وما يعلم غیب الأرواح آمین یا قوی یا قوی یا قوی। लीजिए जनाब बैक टू द रोड, सफर का आगाज आ चुका है। अल्लाह
डैम एरिया, ये डैम एरिया है ना, पता नहीं अब किस चीज़ का ये डैम एरिया है। ये डैम बन रहा जनाब, डैम बन रहा है, ये दया अमीर भाषा रही नहीं अंदर ही आना। ये डैम का काम हो रहा है जनाब, काम काफी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का वो भी हो रहा सामने भी। भाईजान अभी हम हैं तकरीबन नारायण से 7 किलोमीटर पीछे हैं, ये गाड़ी गुजर ले तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। चल यार लता चुकला, पानी काफी ज्यादा है, पानी काफी ज्यादा है, अल्लाह अकबर। ओए कुत्ती रिया मेरे रब जराबा ने पानी पाते ही उन्हें, तो पहले तो ग्लेशियर होंगे थे, ग्लेशियर मुक्की गए। लीजिए जनाब फाइनली टाइम हो चुका तकरीबन 6:15 के करीब, 6:30 हो चुके हैं और हम फाइनली नारायण पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक इतना नहीं है, रास्ते में काफ़ी मिला जो कि अभी आ रहा है, लेकिन नारायण से थे थोड़ा जाओ आगे जाने वाले हैं। नारायण सिटी में कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आप देख सकते हैं सिंपल सा। A few moments later. If you really wanna know, I'm full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. तो भाईजान अभी का सीन ये है, अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30 हो गए हैं और हम नारायण 6:30 बजे पहुँचे थे। अभी होटल वगैरह ढूंढ लिया है और अभी सिर्फ रेस्ट करेंगे। हमें इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए था नारायण आते हुए, लेकिन रास्ते में कुछ डैम का काम हो रहा है जिसकी वजह से सारा रोड टूटा है, ट्रैफिक सारी जाम थी, जिसकी वजह से हमें तकरीबन मेरे ख्याल में 1 से 1.25 घंटा में ज़्यादा लगा। अभी बस यही है कि हम सिर्फ फ्रेश वगैरह होंगे और बाहर निकलेंगे बाज़ार में घूमने के लिए, बस थोड़ी देर आराम कर लें फिर निकलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये है जनाब नारायण का बाजार। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह तो है ये दुकानें वगैरह नारायण की। अभी हम निकले हैं खाना खाने, बस खाना देखते हैं कहाँ से खाते हैं। तब लगा ये बाजार है जो रोशनी यहाँ पे इतनी खास नहीं है। ये होटल दिखा जी भाईजान, ये देखने जा रहे हैं क्या क्या इस होटल में। जब तक गया भी देखने गए हैं हम, तब तक थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। हाँ क्या आप क्या फरमा रहे हैं? वो देखो वो भी लोग आए हैं सुजुकी पे राइडिंग करते हुए, 4 बाइक 5 बाइक्स हैं जी। तो भाई जान अभी का सीन है, अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 9:30 मेरा ख्याल हो गए हैं, 9:30 हो गए हैं और अभी हम आए हैं सिर्फ खाना खाने। सरहद रेस्टोरेंट है नारायण में, मेन पे बाज़ार पे ही है, हम वो खाना खाने हैं। इंशाल्लाह खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। I'm really glad I'm not walking around. Believe in my inflated egg brain, figured it out.